अगर आप भी एक ही नाश्ता खाकर बोर हो चुके हैं तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफी हेल्दी टेस्टी चटपटा सा नाश्ता, जिसे देखने के बाद कोई भी मना नहीं कर पाएगा। सिर्फ एक चम्मच ऑयल से काफी हेल्दी टेस्टी चटपटा सा नाश्ता आपकी बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो यह काफ़ी हेल्दी टेस्टी चटपटा सा नाश्ते को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले एक बाउल में हम लेंगे। देखिए, एक मीडियम साइज के आलू को मैंने एकदम बढ़िया से ग्रेट करके ले लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, आलू के लच्छे इस तरह से निकलने चाहिए, तभी आपका नाश्ता एकदम मज़ेदार और लच्छेदार बनती है। तब यह नाश्ता को और भी ज़्यादा सुपर हेल्दी बनाने के लिए दोस्तों देखिए, मैंने एक मीडियम साइज के खीरा को एकदम बारीक सा इस तरह से ग्रेट करके ले लिए हैं। तो खीरा को पानी सहित ही इसमें डाल देंगे, क्योंकि इसमें फाइबर, मिनरल, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अगर आप यहाँ पे आलू ना लेना चाहे तो दोस्तों आप यहाँ पे खीरे से भी इस नाश्ते को सुपर हेल्दी बना सकते हैं। तो खीरा में काफ़ी ज़्यादा पानी होता है और खीरा हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और साथ में देखिए, एक मीडियम साइज का मैंने बारीक सा चॉप किया हुआ प्याज लिए हैं, तो इसको भी हम डाल देंगे। और साथ में देखिए, एक मीडियम साइज का मैंने बारीक सा एकदम चॉप्ड करके यहाँ पे टमाटर भी लिए हैं, एकदम लाल लाल टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास हो तो ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी सब्जियों का यूज कर रही हूँ, सभी पानी वाला सब्जियों का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, क्योंकि इन सब में मिनरल, फाइबर, भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है, जो हमारे सेहत के लिए ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और साथ में देखिए, 2 से 3 बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पे हरी मिर्च लिए हैं, तो इसको भी डाल देंगे। तो तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया का पत्ता इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये सब्जियाँ आप अपने हिसाब से बैलेंस करके ले सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको पसंद हो सब्जियाँ यहाँ पे ले सकते हैं पूरी तरह से। तो यह पहले सभी सब्जियों को एकदम बढ़िया से हम मिक्स करेंगे। तो हमारे सारे सब्जियों में एक अलग सा ही पानी है, तो सब्जियों को कुछ देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अभी तो इसमें और पानी छोड़ने वाली है, तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल बाद में करेंगे। तब यह कुछ देर बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। नॉर्मल घर का जो हम रोटी चपाती बनाते हैं, बिल्कुल वही आटा यहाँ पे लेना है। और साथ में 1/2 कप देखिए, इसमें हम बेसन ले रहे हैं, तो बेसन को भी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेसन डालने से इसमें प्रोटीन की थोड़ा सा रीच बढ़ जाती है, और इससे आपका नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बन जाती है। तो ये दोनों आपके ऊपर है, जो भी जैसे भी आप बनाना चाहे इस हेल्दी से नाश्ते को फटाफट से बना सकते हैं। वैसे हमारे सब्जियां में तो देख सकते हैं थोड़ी सी पानी वगैरह निकल चुकी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा और पानी डालकर और हल्का सा मिलाएंगे सभी चीज़ों के साथ, और बढ़िया से इसे हम मिलाएंगे। तो देखिए, बैटर में हम थोड़ा सा ही पानी डालकर एकदम बढ़िया से मिलाएंगे। तो देखिए, बैटर में ज़रूरत के हिसाब से ही इसमें पानी डालकर बढ़िया से मिलाइएगा। वैसे इस बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस हमें हल्का हल्का सा पानी डालकर एकदम मिलाकर देखना है। बहुत ही हेल्दी और आसान तरीके से इस नाश्ते को बनाना बता रही हूँ, तो उसी के हिसाब से ही आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा। और देखिए, इस बैटर को ना हमें ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है, एकदम मीडियम थिकनेस का इस तरह से रखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस नाश्ते में ना ही आपको दही डालने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही इनो, ना सोडा, ना ऐसा कुछ भी आपको इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हेल्दी और आसान तरीके से इस नाश्ते को बनाना बता रही हूँ। तब इसमें हम कुछ चटपटे से फ्लेवर ऐड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1/2 चम्मच इसमें हम थोड़ा सा बारीक वाली जीरा डाल देंगे, और साथ में देखिए थोड़ा सा पिसा हुआ मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिए हैं, तो इसको भी डाल देंगे। बस थोड़ा सा डालिएगा, और अपने स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देंगे। तो देखिए, नाश्ते को और भी ज़्यादा चटपटा टेस्टी बनाने के लिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। अगर मान लीजिए आपके पास चाट मसाला पाउडर ना हो, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आमचूर पाउडर ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा नाश्ता को और भी ज़्यादा सुंदर और एकदम चटपटेदार बनाने के लिए देखिए, इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अगर आप ये ना लेना चाहें तो यहाँ पर पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ले लीजिएगा। तब चलिए, सभी चीज़ों को एकदम बढ़िया से मिलाते हुए एक बार और हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये हमारा बैटर बना है। बैटर का कंसिस्टेंसी एकदम ठीक रखना है, और ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये हमारा बैटर बना है। बिल्कुल इतना ही गाढ़ा फॉर्म में हमें बैटर को रखना है। तब चलिए, तवे पर हम मज़ेदार सा नाश्ता बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तवे पे हम एक बूंद भी ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे अभी, बस हमें बैटर को डालना है। तो तवे को पहले एकदम मीडियम सा हॉट गरम कर लीजिए, उसके बाद देखिए अब इसमें हम बैटर को डालेंगे।
और आज की इतना हेल्दी चटपटा सा नाश्ता बहुत ही जल्दी बन जाती है दोस्तों, तो एक बार इस तरह से बनाकर जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके किनारे किनारे हम इस तरह से ऑयल लगाएंगे, सिर्फ एक से दो चम्मच ही लगाना है, जिससे कि हमारा नाश्ता थोड़ी सी क्रिस्पी और मज़ेदार भी बनेगी। तो देखिए अब इसके ऊपर हम लीड लगा देंगे, लगभग हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच में ढककर पकाएंगे नाश्ते को। आप चाहे तो ऑयल की जगह आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं किनारे किनारे। पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, देखेंगे बहुत ही आसानी से पक जाता है। जब देखेंगे कि ऊपर की सतह ये ड्राई होने लग गया है, तब आप इसके साइड को इस तरह से चेंज कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी मज़ेदार बनी है। तो इसके किनारे किनारे भी इस तरह से हम ऑयल लगा देंगे। तो दूसरे साइड भी नाश्ते को मज़ेदार होने तक अच्छे से हम सेकेंगे। और आप देख सकते हैं पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, अलट पलट करके हम दोनों साइड अच्छे से सेकेंगे। और आप देख सकते हैं पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, अलट पलट करके देख सकते हैं हम दोनों साइड अच्छे से पका रहे हैं। और ये देखिए हमारा हेल्दी टेस्टी सा नाश्ता दोनों साइड अच्छे से पक चुकी है। तब आप इस नाश्ते को प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। दोस्तों आप चाहे तो इस नाश्ते को बिना ऑयल डाले भी बना सकते हैं, ये नॉनस्टिक पैन है, चिपकता नहीं है, बहुत ईजिली बन जाएगी। और ये लीजिए दोस्तों हमने नाश्ते को अलट पलट करके अच्छे से पका दिए हैं। तो ये लीजिए दोस्तों काफ़ी हेल्दी टेस्टी मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो इतना हेल्दी मज़ेदार से नाश्ते को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए तो ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।